स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉयड स्टील के बारे में। धमाकेदार खबर बस 5 मिनट पहले आ गई, सेबी ने कुछ कर दिया। क्या आपको डिविडेंड मिल गया क्या? मंडे से रोज अपर सर्किट पे अपर सर्किट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में लॉयड स्टील का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक देख लेना। यहाँ पे देखो 15.50 रुपए का हाई गया था, 14.75 रुपए का लो बनाया था और ये पूरे दिन उठने कोशिश की, भी सपाट लो सर्किट में लॉक हो गया। अब आखिरकार इस स्टॉक में हो क्या रहा है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, 4 तारीख को डिविडेंड का ऐलान था, तो आपको डिविडेंड मिला या नहीं मिला कमेंट करके बता देना है कि मिला है या नहीं मिला। दूसरी बात देखो, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, अपने मल्टीपल सपोर्ट पर है, तो यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मंडे से इसमें सपाट अपर सर्किट लग सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो लगना ही है। क्यों लगेगा आगे बात करूंगा, क्योंकि सेबी ने भैया खुशियों का तोहफा दे दिया, उसके तहत ही अपर सर्किट में लॉक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीपल सपोर्ट है, तो इन सपोर्टों को ये सपोर्ट लेके एक बार चार्ट है 1 डे पर कर लेते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखो पूरी डिटेल से आ देखने के लिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो ये आज यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी मल्टीपल सपोर्ट है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखो ये लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट ले रखा है, तो यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी और अभी ये सपाट अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा। कैसे, बात करेंगे उस पर। लेकिन उससे पहले देखो 86 लाख शेयर मार्केट में आज आ गए हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। देखो दोस्तों, इसमें देखो इंडिकेटर है 11 पॉजिटिव है, 12 नेगेटिव है और अपॉर्चुनिटी 3 बता रहे हैं इस स्टॉक में। अब देखो ये डिविडेंड की डेट थी, यानी कि 4 अगस्त, यानी कि कल की डिविडेंड की डेट थी। RS 0.05 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया है, तो आप चेक करके बता देना कि डिविडेंड आया है नहीं आया। ये तो हो गई डिविडेंड की बात। और यहाँ पे देखो बुलिश 10 है, बेरी 6 है और यहाँ पे देखो 50-60% डिलीवरी लोग घर पे लेके जा रहे हैं। इंडिकेटर सभी स्ट्रॉन्ग और 22 सिंगल दे रखा है इसका। अब वोटिंग करवाई थी, उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। देखो 75 लोगों ने बोला था कि भैया इसको बाय करके चल रहे हैं। अब सेबी ने क्या कर दिया उस पर चलेंगे। देखो दोस्तों, लॉयड स्टील है ये ASM की स्टेज 1 में था, तो सेबी ने इसको ग्रीन चिट दे दिया। ASM की स्टेज 1 से ये बाहर आ गया है, तो इस कुछ में भैया मंडे से सपाट अपर सर्किट में लॉक हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। क्योंकि इतने दिन सेबी चेक कर रही थी कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अब इसको लॉक ही होना है, तो मंडे से लॉक हो जाएगा। और आपको फंडामेंटल मैंने चेक करवाया है कि देखो सेल्स वगैरह इसकी हो रही है, सेल्स ग्रोथ, सेल्स वगैरह, डेप्ट है, लेकिन रिजर्व भी केस पड़ा है, सब कुछ इसका पॉजिटिव चल रहा है। कंपनी में एसिड ज़्यादा है, कचरे कम है, सब कुछ इसका पॉजिटिव चल रहा है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में ऊपर के लेवल में है तो भैया एवरेज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसको अपर सर्किट में लॉक होना है दोस्तों। तो भैया आप खुश हो जाओ, मंडे से सपाट अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा। आज की थोड़ी सी कामकाज की बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने हर बार आपको बताया, Q4 के रिजल्ट के बाद में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये बहुत अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, और प्लीज भी कम किया है, ये भी अच्छी बात है। तो प्रमोटरों को पता होता है, ऑपरेटर प्रमोटर मंगल ग्रह के प्राणी होते हैं ना, उनको पता होता है शेयर कहां जाएगा आने वाले टाइम में, इस वजह से उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, वरना क्यों बढ़ाती, अपनी कंपनी का शेयर खरीदा है ना, तो भैया बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपके पास में है तो भैया आप टाइटली होल्ड कर सकते हो, और मंगल ग्रह के प्राणी के पास में देखो माल पड़ा हुआ है, दबा के माल पड़ा हुआ है, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है भैया। 50+ का स्टॉक है, बस आप टाइटली होल्ड करो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो, 50+ चला जाएगा। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।